एक और वीडियो में स्वागत है। स्कूप के वीडियोस कवर कर रहे थे, आप स्कूप इंक्रीमेंटल के बारे में जानेंगे। स्कूप इंक्रीमेंटल क्या होता है ना? स्कूप इंक्रीमेंटल मतलब मैं फुल लोड नहीं करना चाहता, मैं डेल्टा लोड करना चाहता हूँ। डेल्टा लोड क्या होता है? मैं पार्शियल डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं डेटा रोज रिफ्रेश होता है या फिर वीकली रिफ्रेश होता है, बट मैं सारे डेटा को, छोटे डेटा को अपडेट नहीं करना चाहता। मैं क्या करूंगा, जो कि नए अपडेट्स आए, नया डेटा आया है, वही डेटा को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ हडूप हडूप में ना, हडूप में जो भी है, हडूप में जो भी है। इंक्रीमेंटल यही होता है, स्कूप इंक्रीमेंटल। अब इसमें दो चीज आ जाती है, एक तो होता है अपेंड वाला, दूसरा होता है लास्ट मॉडिफाइड वाला। नाम से वह चल रहा है, लास्ट मॉडिफाइड क्या होता है ना, अगर कुछ अपडेट्स हुए हैं एग्जिस्टिंग डेटा में, इन दैट केस आई वुड बी यूजिंग लास्ट मॉडिफाइड, एंड कुछ नया डेटा भी आया, दैट काइंड ऑफ स्टेप टू लास्ट मॉडिफाइड। अगर कुछ नहीं अपडेट हुआ है, सिर्फ नया डेटा आया, देन आई विल यूजिंग अपेंड कमांड। ये दो चीजें हैं, ये चीजें करनी है। तो आज स्कूप इंक्रीमेंटल के बारे में जानते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट। बाकी स्कूप एक्सपोर्ट नहीं देखा है, इम्पोर्ट नहीं देखा है, जाकर देखाओ, सारे वीडियोस अवेलेबल है फ्री में। काय को पैसा देने का, फ्री में अवेलेबल करने का। तो मैं सबसे पहले तो वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, हमेशा की तरह वीएस कोड ओपन करेंगे। आप चाहो तो कुछ और इंटरफेस यूज कर सकते हो, पर मैंने वीएस कोड इंस्टॉल किया है, तो वीएस कोड इंस्टॉल। मैंने बाय द वे इंटेलिजे भी इस्तेमाल किया है, यूज इंस्टॉल किया है, पर मैं उसको बाद में करूंगा। एयर फ्लो में यूज कर सकते हो उसको, ठीक है, एयर फ्लो करने के लिए। बाय द वे एयर फ्लो की सीरीज भी आएगी, सब आ जाए, सब कुछ आएगा। वेट कर, पैर थोड़ा सही रखूँ मैं, ऐसे बैठते हैं मस्त। ओके, थोड़ा बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या करना है मुझे, ठीक है। मुझे क्या क्या कॉलम जरूरत है, क्या क्या चीज जरूरत होती है व्हेन कम्स टू स्कूप इंक्रीमेंटल। तो मेरा तो एक ये होना चाहिए, चेक कॉलम, कॉल करेंगे इसको। इसमें क्या सपोर्टेड है, क्या आर नॉट सपोर्टेड, क्या इज नॉट सपोर्टेड, इसमें क्या सपोर्ट नहीं करता, ये वाला। इसका हम जानते हैं, बिल्कुल बताते हैं। साथ में एक और चीज जाननी पड़ेगी, लास्ट वैल्यू, और जैसे फॉर्थ में जीरो डाल दिया, लास्ट वैल्यू क्या है ये मेरे को बताता है, ये कहाँ से रिफ्रेश करना है, कौन सा वैल्यू के आगे वाले से रिफ्रेश करना है। अगर मैंने जीरो डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, तो मेरा सारा डेटा लोड होगा, जीरो से ग्रेटर देन सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं डेट कॉलम के साथ खेल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मॉडिफाइड डेट कॉलम के साथ खेल रहा हूँ, इन दैट केस आई कैन इधर यूज जीरो और आई कैन यूज अ पास्ट डेट, जैसे 1990 हाँ पास्ट डेट है ना। अगर उससे भी पुराना डेटा है, तो इन दैट केस आप 1800 1700 1100 कुछ भी डाल दो, या फिर जीरो डाल दो। एक और साथ में एक और चीज होती है इंक्रीमेंटल, इसमें मोड डालना है, ठीक है। यहाँ पे फिर मोड होगा, यहाँ पे मैं मोड डालूंगा। तो ये मेरे पास दो मोड है, यहाँ पे एक मोड होता है लास्ट मॉडिफाइड, दूसरा होता है हमारे पास अपेंड मोड। कब क्या यूज करना है ऑलरेडी बता दिया है, तो नहीं देखा, नहीं भूल गया, नहीं देखा, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गलती से, क्या करना है, रिवाइंड करो, वापस जाओ। हाँ चलो, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। उसके पहले मुझे पता है एक चीज होती है, मुझे सबसे पहले तो सीएमडी ओपन करना है। टर्मिनल कहाँ है, ये टर्मिनल है, ओपन करते हैं इसको और बताता हूँ। रुको जरा, सब रखो, सब बताते हैं, खत्म कर देंगे आज। उसके पहले रुको यार, एक चीज करते हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। सिट्रिक्स को टाइटर बाय 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 करते हैं यार। सिट्रिक्स भैया बंद हो, अपने यहाँ बंद नहीं होता ना, यही तो गलती है सिट्रिक्स रिसीवर का। और कुछ ओपन है नहीं, और कुछ ओपन नहीं है यहाँ पे सिट्रिक्स। यार 9 GB खा रहा है यार, बहुत। यहाँ पे स्टार्टअप में देख ले यार, सिट्रिक्स डिसेबल, सब कुछ डिसेबल कर रखे हैं, जरूरत नहीं है सिट्रिक्स रिसीवर रिसीवर की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, दिखे आपको क्या करना होता है। स्टॉप ऑल डॉट एस एच क्यों कर रहा हूँ मुझे पता है, मैंने रिस्टार्ट किया था, इसके वजह से मुझे मेरा हडूप गड़बड़ाया गया होगा, तो मुझे ये कमांड रन करने होंगे। कैसा कोई फिक्स है ना, करना पड़े, ये इसका फिक्स आने वाले वीडियो से बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि ये फिक्स को बताता नहीं है, जो हम बताएंगे सर्च कर लेना गूगल पे, नहीं मिलेगा, मिल गया तो ठीक है, मिल गया गूगल, गूगल सर्च इंजिन है, वो किसी ने भी डाला होगा तो मिलेगा ना। अभी क्या करते हैं, हडूप ने यार चल ही नहीं रहा, हडूप नेम नोड माइनस फॉर्मेट, ठीक है, अच्छा समझ गया, ठीक है समझ गया। स्टार्ट डॉट, ये भी कर दिया, स्टार्ट ऑल डॉट एस एच। फिर इसके बाद कार्डोरा भी यूज कर सकते हो यार, मन कर रहा है तो, ठीक है। पर हम लोग ये यूज कर रहे हैं उबंटू। उबंटू में किस तरह सेटअप करना है उसके वीडियो शूट कर लूंगा, और फिर आपको बताऊंगा उबंटू में किस तरह से सब कुछ सेटअप करना है, ए टू जेड, हडूप से लेकर स्कूप से लेकर कोई नहीं मिलता था, पेड कोड में तो मिलता ही नहीं, यहाँ पे बोलते हैं सिर्फ कार्डोरा यूज करो।
क्लाउडवेयर में सबसे बड़ी डिमेरिट है पुराना वर्जन है, नया वर्जन इंस्टॉल करने में आपको पड़ जाएगी, आपको वो कोई बताएगा नहीं। और कुछ छोटे मोटे एरर आएंगे, उसका भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला पेड कोड में, मैक्सिमम पेड कोड से बात कर रहा हूँ यहाँ पे होता है। पर हम लोग हर एक चीज को बताएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। तो अभी भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का, लाइक बटन को दबा देने का, और बेल बटन है उसको नोट उसको दबा के ऑल पर क्लिक करने का, ऑल ऑल डेली वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो क्लियर करता हूँ मैं इसको, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं स्कूप इम्पोर्ट नाम का एक कमांड लिख देते हैं, तो यहाँ पे आएंगे स्कूप इंक्रीमेंटल, एक मिनट को, स्कूप इंक्रीमेंटल, ओके ठीक है, स्कूप वाला उठाते हैं कोई कहीं से, ठीक है, इम्पोर्ट कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, पड़ा हुआ दे उठा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में कुछ था क्या यार, बता नहीं, डेटा होगा यार, देख लेंगे यार, तो फिर नहीं होगा तो फिर देख लेंगे यार। ये नीचे क्यों नहीं गया यार, इसके नीचे भी ये देख लो विनोद, तो मैं कहाँ कर रहा था, मैं यहाँ पे कर रहा था, चलो ठीक है यहाँ पे कर देते हैं। स्कूप इम्पोर्ट कर दिया, डेटाबेस का नाम डाल दिया यहाँ पे, ये मैंने JDBC MySQL, ये मेरा URL, आपके केस में क्लाउडेरा होगा अगर क्लाउडेरा यूज कर लो, या फिर URL भी डाल सकते हो रोटरी रिपीट से पानी, मेनली IP एड्रेस चलता है, सर्वर पर IP एड्रेस होगा। यूजर नेम डाल दिया, फिर पासवर्ड डाल दिया, फिर इलेक्ट्रॉन टेबल का नाम डाल दिया, तो फील्ड फील्ड की जरूरत नहीं, अगर मुझे फील्ड तो मैं फील्ड डालूंगा नहीं। टारगेट DIR मैंने डाल दिया यहाँ पे इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पे डालूंगा इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल डाल दो, मैं अपेंड कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है अपेंड कर दिया मैंने। साथ साथ मैं क्या करूंगा, चेक कॉलम, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉलम का नाम डालना पड़ेगा जो जिस जिसको मैं चेक करूंगा भाई, जिससे मैं चेक करूंगा, कोई भी हो सकता है, आईडी हो सकती है, कैर वाला सपोर्टेड नहीं है, आईडी डालेंगे तो कोई भी, जनरली मैं आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है, डेट कॉलम भी हो सकता है, ठीक है, तो आईडी डाल दिया मैंने, स्लैश कर दिया, एंटर दबाया, और लास्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो मैं अभी मैं सब कर रहा हूँ, तो मैं 0 डालूंगा, तो 0 क्या है ना, 0 के ऊपर वाला सब चलेगा, ये कॉपी कर लेते हैं। ओके इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लो यार, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईडी बड़ी है ना, हाँ आईडी है, चलिए अभी करते हैं काम हम लोग, ये यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा एंटर दबाएंगे, अब चलो चल जाइए, चल जा, चल जा, चल देखते हैं। ओके लिमिट वन कर रहा है, अच्छा करो, हडू मैप नोटबुक सब कुछ, बाकी चैनल पे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एक लाइक जरूर ठोकना है यार, लाइक ठोक के जाना है, लाइक दबा देना है लाइक बटन को, चाहे किसी को लाइक दिखे ना दिखे, पर आपको दबाना है लाइक को, क्योंकि लाइक अभी दिखता नहीं है पर दबाना है। बाय द वे मैंने सेटिंग रखी है तो लाइक ऐसे भी नहीं दिखेगा, अभी दिख रहा होगा नहीं दिखा हो, पर मेरे चैनल में नहीं दिखेगा, मैंने लाइक ऑफ ऑफ रखा है, लाइक किसी को नहीं दिखना है पर आपको लाइक दबाना है, मुझे दिखेगा, मुझे दिखेगा, मेरे डैशबोर्ड में दिखेगा कितने लोगों ने लाइक, कमेंट जरूर करना है अगर कुछ भी डाउट है, नहीं डाउट है समझ में आया तब भी कमेंट करना है ना, क्योंकि बाकी लोग समझ में आया, बाकी लोगों को तो पता चलेगा ना कि कमेंट कर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा तभी देखेगा वीडियो, इसे कमेंट जरूर करो, फैला दो वीडियोस को, क्योंकि इस तरह के वीडियोस सिर्फ हमारे चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। देखो तो मेरे को बोल रहा है लास्ट वैल्यू 4500, इसके ऊपर का ये सेव कर लो, गलती से मिस ना हो जाए तो पता नहीं चलेगा तुमको अगली बार किससे करना है, ठीक है ना, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, देखो मैंने सेव कर दिया इसको, आई सेव्ड दिस, इसको ऐसे कॉपी होता ही नहीं है, ऐसे कॉपी होता है भैया, तो इस वैल्यू को मैंने सेव कर दिया भाई, देखो ऐसा है ना, इसके बाद वाला इंक्रीमेंटल होगा तो मैं सेव करूंगा। तो अभी क्या करते हैं, इसका यहाँ पे क्या होता है, हडूप FS माइनस कैट, कैट मैंने बिल्ली, कैट मैंने बिल्ली, यहाँ पे जाएंगे, ओके ओके एक मिनट हुआ, डेटा आ गया, देखो वीवो, ये एप्पल, ओके सर नेम आ रहा है क्या, आईडी नहीं आ रही क्या, इसका किसका डेटा है भाई, देखो देख रहा हूँ मेरा, इसका किसका डेटा है भाई, एक मिनट रुको, हाँ रुको 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 रुको, सबर रहो सबर रखो, देखते हैं क्या क्या हुआ क्या, एक और टर्मिनल खोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ा दिया, ऑर्डर ऑर्डर अलग आ रहा है क्या, मुझे पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा ऑर्डर मेरे खर्चा अलग आ रहा है, तो थोड़ा जूम करते हैं, ये बंद हो जाता है, गलत है यार, ये बंद नहीं होना चाहिए, MySQL माइनस यू रूट माइनस पी, हाँ ठीक है, थोड़ा इतना कर दिया, इसके बाद में क्या मुझे पता है ना, मुझे यूज ये क्या है, ये ठीक है, आईडी नेम टाइप और प्राइस, पर एक चीज देख रहे हो विनोद, एक चीज ध्यान से देखना विनोद, यहाँ पे आईडी बाद में आ रही है, पहले ये कुछ और आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो क्या आ रहा है, वो देखते हैं क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, पहले ब्रांड आ रहा है, ठीक है ना, फिर आ रहा है आईडी, फिर आ रहा है नेम, और फिर आ रहा है, देखो प्राइस पहले आ रहा है, नेम बाद में आ रहा है, इसका मतलब समझो दे यार, ये रैंडम ऑर्डर में आ रहा है,
पर इससे कुछ फर्क पड़ता है? बहुत लोगों को फर्क पड़ता है यार, नेम पहले आना चाहिए, नेम बाद में आना नहीं चाहिए, ये वो फर्क पड़ता है। पर जनरल केस में फर्क नहीं पड़ता है। सेलेक्ट क्वेरी जब आप रन करेंगे तो आप किसी भी ऑर्डर में रन करें फर्क नहीं पड़ता है, कॉलम आगे लगे या पीछे लगे, कॉलम डेटा तो डेटा ही है ना, डेटा में फर्क नहीं होना चाहिए। अब कॉलम नेम पहले आए आखिरी में आए ये फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ा है इसका मतलब क्या ना, फर्क पड़ा अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आपको कोड में बाद में चेंज करना चाहिए कि आप कोड हैंडल कर सके इस तरह से। ये फालतू की चीजें होती हैं कि आगे आ गया आप पीछे क्यों नहीं आया, आगे ये आईडी आगे क्यों नहीं आई, नेम क्यों आगे आ गया, ये फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इतना फर्क हो गया। अबे यार इतना हो गया ना, अभी कुछ और चीजें करते हैं, रुको। अभी अभी हम इंक्रीमेंटल कर दिए थे ना यहाँ पे। अब देखो ना, आईडी में मैंने थोड़ा लफड़ा किया था, थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, तो मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे 4500 कर दिया था ना, वही जो दिक्कत है। मुझे मैंने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे कॉपी करके। बाय द वे कुछ और भी इंसर्ट कर सकते हैं क्या इस तरह से? अच्छा मैं दो तीन रो इंसर्ट करता हूँ यार, सही रहेगा ना? देख रहे हो, सही कर, ये सही रहेगा ना? दो तीन इंसर्ट कर दूंगा मैं तो अभी, तो यहाँ पे मैं एक मिनट को, ठीक है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, दो तीन रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इंक्रीमेंटल किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा इंसर्ट कर देता हूँ, चार रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब चारों में क्या करूंगा ना, मैं थोड़ा नाम चेंज कर दूंगा। सबसे पहले तो हॉर्न 90 की जगह पे मैं कुछ और डालूंगा, हॉर्न 90 लाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैजिक बुक X14 की जगह पे S16 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा प्राइस भी है क्या, एक मिनट रुको, आईडी नेम ट्राइड, अच्छा समझ रहे हो ना, प्राइस भी है यहाँ पे, तो प्राइस नहीं डाला हम लोगों ने, बाद में किया होगा यार, उसकी वजह से दिक्कत हो रही होगी। ब्रांड तो यहाँ पे प्राइस भी डाल लो, क्या प्राइस डाले, 10 लाइट है, मतलब यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ। ये लैपटॉप है तो लैपटॉप की प्राइस मान के चलो मैं 40,000 डाल देता हूँ, भाई फोन ज्यादा महंगा लैपटॉप से, ठीक है। मैकबुक एयर प्रो कर देते हैं यार, थोड़ा सा इसका तो लैपटॉप की प्राइस में 50,000, 5 लाख करता हूँ, 50,000 से कुछ नहीं होने वाला, 50 ठीक है ना। आसुस का G16 कर देते हैं इसको, और इसका ज्यादा नहीं करेंगे, 2 लाख कर देते हैं, 2,50,000, 2,50,000, 1, 2, 3, ठीक है इतना हो गया ना। अब इन सबको इंसर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इंसर्ट इनटू यहाँ पे कमिट कर दो, सेलेक्ट स्टिक फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बाई आईडीडीसी लिमिट बाई, हाँ सर हो गया ना, आसुस जेफ्रस C14, ये ओके, समझ गया ना इसका मतलब, समझो दया, दया समझ गया, समझ गया ना दया, दया समझ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करता हूँ, ऐसा मुझे जरूरत है नहीं यार, पर मैं ये शीट आपको सेंड करना है ना, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करेंगे, लास्ट वैल्यू मैं ये रखूंगा अभी। भाई नीचे कैसे जाएगा, भाई नीचे जाना चाहिए ना, इंक्रीमेंटल कर रहा है, चलो हो जाए, रनिंग जॉब कर रहे हैं। अरे देखो यूआरएल अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे तो उसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बताया है, वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कर लो, वाला वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। पिछले के पिछले या फिर किसी एक वीडियो में बताया है, जब मैं स्कूप एक्सपोर्ट कर रहा था तब बताया था, स्कूप एक्सपोर्ट पहले आया था, फिर हम लोगों ने स्कूप इम्पोर्ट इम्पोर्ट किया थे, तो तुम इसको एक्सपोर्ट नहीं बताया मेरे ख्याल से। ठीक है लास्ट वैल्यू इतना आ गया, अब तुम देख लो, पर मैं लास्ट वैल्यू देखूंगा नहीं यहाँ पे। अच्छा मैं इसको या ऐसे करके टेल कर देता हूँ, आखिरी के 10 रिकॉर्ड आएंगे ना, तो देख लो आखिरी के 10 रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे यहाँ पे 1,000 और ये करके सबसे आगे डेटा, ठीक है। तो इसका मतलब समझो दिया ना, ये इसलिए किया ना, यहाँ पे इंसर्ट किया डेटा को सारे, ओके अब अपेंड हो गया। अब इसका एक और चीज दे सकते हो हम, देखो यू कैन यूज वी के जीरेप जेरेप कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है सी करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया इस तरह से आप अपेंड कर सकते हैं डेटा को। अगले वाले वीडियो में क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर लास्ट मॉडिफाइड। अगर मुझे स्पेसिफिक डेटा को देखना है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है ये कितनी बार आ रहा है, 4500002 कितनी बार आ रहा है, तो मैं एंटर दबाऊंगा, मेरा एक डेटा आ गया, देखो जीरफ से यहाँ पे ये ऑनर का ये है, एक ही बार इंटरव्यू हुआ है। तो इस तरह से मैं क्या किया, मैंने अपेंड वाला काम कर दिया, अब अगले वीडियो में लास्ट मॉडिफाइड करेंगे।